नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका। और आज आप देख रहे हो बहुत ही भारत देश के लिए बहुत बड़ी जो क्षति माना जाएगा, हमारे देश के जो द फ्लाइंग सिख के नाम से प्रसिद्ध थे कैप्टन मिल्खा सिंह जी, उनका निधन आपको पता है 18 जून को हो चुका है चंडीगढ़ में। तो आज हम बात करेंगे मिल्खा सिंह के बारे में। मिल्खा सिंह से संबंधित जितने क्वेश्चन एग्जामों के दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे वो सारी बातें करेंगे। वो क्या थे, क्या क्या उनकी बातें हैं, तो थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पे रूबरू कराऊंगा उनसे संबंधित। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, थंबनेल में आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे, मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि हम देंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। हम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से इनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ मैं। 1929 से 2021 तक जो मिल्खा सिंह का जीवन काल था, इस जीवन काल की बात करेंगे दोस्तों। बहुत ही शानदार आपके साथ जानकारी लेके मैं हाजिर हूँ, मैं जितेंद्र नटवाड़िया। आप सारे अपने साथ वालों को ये क्लास शेयर करना, सब लाइक और कमेंट जरूर करना, आपके लिए बहुत खास जानकारी है। तो बात करते हैं कैप्टन मिल्खा सिंह के बारे में बात करेंगे। मिल्खा सिंह के आप मेरे पीछे देख ही रहे हो, मिल्खा सिंह की जो फोटो लगी हुई है आपको अच्छी सी दिख रही होगी। हमारी टेक्निकल टीम ने आपके लिए ये फोटो उपलब्ध करवाई है, इनके जानकारी लेंगे। तो चलो दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ मिल्खा सिंह के बारे में कुछ शानदार जानकारी, जो शानदार आपके काम आएंगी वो सारी जानकारी देखें। तो हम बात करते हैं कैप्टन मिल्खा सिंह। कैप्टन मिल्खा सिंह, कैप्टन जो मिल्खा सिंह हैं, इनसे संबंधित क्या क्या बातें हैं जो मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ, कि क्या क्या इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, इन्हें कौन सा अवार्ड मिला हुआ है, सारी चीज़ें बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके जो कैप्टन मिल्खा सिंह है, इनका जन्म कब हुआ। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ, जन्म की बात करेंगे, इनके जन्म स्थान की बात करेंगे, जन्म स्थान क्या है, इसके अलावा इनके उपनाम, इसका उपनाम क्या है, इनका उपनाम क्या है, उपनाम की बात करेंगे, इनके अलावा इनकी पत्नी का क्या नाम है, पत्नी की बात करेंगे थोड़ी सी, इनके पुत्र का क्या नाम है, पुत्र की भी बात कर लेते हैं, इसके अलावा इनके मैं बात करूं अवार्ड या सम्मान कौन सा मिला हुआ है इसकी बात करते हैं। थोड़ी बहुत आपको शानदार सारी जानकारी देना चाहता हूँ इनके बारे में, और भी बाकी और भी बातें करेंगे, इनको क्या क्या पुरस्कार मिले सारी चीज़ें बात करेंगे, कब कब इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, एक बार सिल्वर मेडल भी जीता, ये सारी बात करेंगे। ओलंपिक में भारत की ओर से ये सम्मिलित भी हुए थे। तो दोस्तों यहाँ मेरे साथ जुड़े रहे शानदार वाली जानकारी के लिए। चलो दोस्तों आपका समय ज़्यादा खराब नहीं करूँगा और मैं बात करता हूँ इनके बारे में। जो इनका जो जन्म हुआ था वो जन्म 20 नवंबर 1929 है, 20 नवंबर 1929 इनका जन्म है। पाकिस्तान में इनके जन्म को यही डेट मानी गई है। वैसे ये भी मैं सुनने में आया है, पढ़ने देखा मैंने कहीं लिखा हुआ था कि इनके जन्म डेट बहुत अलग अलग हैं। इनके पासपोर्ट पे इनकी जन्म डेट जो है वो 1932 दे रखी है, 20 नवंबर 1932, लेकिन 20 नवंबर 1929 इनकी जन्म डेट मानी जाती है। इनकी क्या मानी जाती है, जन्म डेट मानी जाती है। बात करें इनका जन्म स्थान कहाँ है, तो इनका जो जन्म स्थान है दोस्तों वो गोविंदपुरा में है। कहाँ है, गोविंदपुरा में है, और गोविंदपुरा पंजाब प्रांत, अब वर्तमान में ये पड़ता है, उस समय तो ये ब्रिटिश इंडिया के अधीन था, ब्रिटिश भारत के अधीन था, लेकिन वर्तमान में ये कहाँ पड़ता है, ये पाकिस्तान में है। ये जगह कहाँ है दोस्तों, पाकिस्तान में इनका जन्म स्थान है, वहाँ इनके जन्म स्थान को माना गया है। ये विभाजन के बाद भारत में आए थे, फिर सेना में सम्मिलित हुए, फिर इन्होंने खेलों से इनकी रुचि बढ़ी, वो सारी बातें करेंगे। मैं इनका उपनाम की बात करूँ, इनका उपनाम है, सबको पता है, द फ्लाइंग सिख। इनका उपनाम क्या है, द फ्लाइंग सिख, ये इनका उपनाम है।
ये उपनाम जो दिया था ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने दिया था, जो आगे हम बात भी करेंगे, बताऊंगा आपको पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने क्यों दिया। इनके बारे में ये कहा कि तू आज दौड़ा नहीं, तू तो आज उड़ गया। ये बातें कही, उड़ा है, दौड़ा नहीं है, उड़ा है। तो ये सारी बातें करेंगे आगे, आपको सारी चीज़ें बताऊंगा मैं, एक एक चीज़ें की बात करेंगे, एक एक लाइनों की हम बात करेंगे कि क्या क्या बातें हैं। इनकी जो पत्नी है, पत्नी का नाम निर्मल कौर है, पत्नी का नाम क्या है, निर्मल कौर है। और इनकी जो पत्नी है, ये पत्नी 5 दिन पहले ही 13 जून को ही एक्सपायर हुई है, यानी इनकी पत्नी का नाम निर्मल कौर है। उनका जो हम देखें जन्म, तो उनका जो जन्म 1963 से लेकर, भाई पत्नी तो 1963 में बनी थी, 62 में इनकी शादी के बाद में, तो इनका जन्म देखें, वैसे इनके बारे में देखें तो इनके जो निर्मल कौर थी ये भारतीय वॉलीबॉल की पूर्व कप्तान, भारतीय वॉलीबॉल की पूर्व कप्तान है। 13 जून 2021 को मृत्यु, 13 जून 2021 को क्या हो गई है, इनकी मृत्यु हो गई है। इनके पुत्र का नाम है जीव मिल्खा सिंह, इनका पुत्र है जीव मिल्खा सिंह, वो गोल्फर हैं, गोल्फ की दुनिया में बढ़िया नाम है। इनको अवार्ड या सम्मान की बात करें, इनको जो बहुत भारत का चौथे नंबर का जो अवार्ड माना जाता है वो अवार्ड मिल चुका है इन्हें, पद्म श्री अवार्ड। कौन सा अवार्ड मिल चुका है दोस्तों इन्हें, पद्म श्री अवार्ड मिल चुका है इन्हें, पद्म श्री अवार्ड। ये भारत का चौथा सबसे बड़ा अवार्ड है, भारत का पहला जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो भारत रत्न है, दूसरा जो सबसे बड़ा है वो पद्म विभूषण है, जो तीसरा है वो पद्म भूषण है, और चौथा है वो है पद्म श्री। और इनको कौन सा अवार्ड मिला हुआ है, पद्म श्री अवार्ड मिला हुआ है। दोस्तों आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि भारत के जो और तीन कौन से हैं, पहले नंबर पे भारत रत्न, दूसरे नंबर पे है पद्म विभूषण, और तीसरे नंबर पे है पद्म भूषण, और चौथे नंबर पे है पद्म श्री अवार्ड। ये हमारे पास भी स्थित त्रिवेणी धाम के महाराज नारायण दास जी महाराज को भी मिल चुका है पद्म श्री अवार्ड, उनको भी मिल चुके थे। अब नारायण दास जी महाराज स्वर्ग सिद्धार्थ चुके हैं, वो देवलोक गमन हो चुके हैं, हम उनके भी बहुत यहाँ पे उनका भी जो योगदान है आसपास के हमारे शाहपुरा क्षेत्र में बहुत बढ़िया योगदान है, कई स्कूलें कॉलेज धर्मशालाएं हॉस्पिटल उन्होंने बनवाई हैं, उनका भी बहुत बड़ा नाम है। तो ये इसके बारे में, कैप्टन मिल्खा सिंह के बारे में आपको मैंने थोड़ी बहुत नॉलेज दी, आगे डीपली बात करेंगे तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आगे देखिए, आगे और बातें करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे की, देखो मैं आगे और बात करूँ। अब इनके बारे में देखो थोड़ा मैं ढंग से बताता हूँ मिल्खा सिंह के बारे में। मिल्खा सिंह जी के बारे में हम आज बहुत बात करेंगे। ये 18 जून 2021 को चंडीगढ़ में इनका क्या हो गया है, इनकी मृत्यु हो गई है, यानी कि देवलोक गमन हो गया है इनका, क्योंकि मृत्यु कहना एक अच्छा शब्द नहीं है, इनके प्रति हमारी बहुत अच्छी श्रद्धांजलि है। तो इनका जो इनकी जो देवलोक गमन की जो तिथि है, ये तिथि है 18 जून 2021, ये चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में से हो गए थे। इनकी जो उम्र है, कितनी उम्र ले चुके हैं, इनकी उम्र है 91 वर्ष की उम्र में इनका जो देहांत हुआ है। भारतीय सेना में रहते हुए ये खेल से परिचित हुए थे, भारतीय सेना के ये अधिकारी हैं,
भारतीय सेवा दे चुके हैं, भारतीय सेना में सेवा दे चुके हैं, वहीं पर खेलों से परिचित हुए, यानी कि एथलेटिक्स से परिचित हुए, यहीं से ट्रैक फील्ड और ट्रैक की जानकारी मिली यहीं पे इन्हें। अब इनके अलावा और बात करें, अब क्या क्या है इनकी चीज़ें वो देखें, एक एक बातें करें इसके। इधर देखें, एशियाई खेलों में के साथ साथ ये राष्ट्रमंडल खेलों में भी 400 मीटर दौड़ में एकमात्र एथलीट हैं जिन्हें 400 मीटर दौड़ में क्या मिल चुका है, गोल्ड मेडल मिल चुका है। बहुत बड़ी बात है कि एशियाई खेल प्लस राष्ट्रमंडल खेल दोनों में 400 मीटर में क्या मिल चुका है इन्हें, गोल्ड मेडल, यानी कि सोना पदक मिल चुका है, गोल्ड मिल चुका है। बहुत बड़ी बात है ये कि 400 मीटर की दौड़ में दोनों में से, एशियाई में भी और राष्ट्रमंडल खेलों में दोनों में इनको स्वर्ण पदक मिला है। ये बहुत ही सम्मान की बात है। 1958 और 1962 के एशियाई खेलों में इनको स्वर्ण पदक मिला था। इनके अलावा ये भारत की ओर से ओलंपिक में भी क्या जा चुके हैं, यानी इनके आपको देखो मैं फोटो दिखाता हूँ, और भी हमारी टेक्निकल टीम ने देखो फोटो दी है बहुत ही शानदार वाली, ऐसे थम्स अप करके। ये 91 वर्ष की उम्र में भी इनका शानदार जज्बा था, बहुत ही शानदार जज्बा था। मैं इनके लिए दो लाइनें बोलना चाहता हूँ, आपकी जो दो लाइनें आपको बहुत मोटिवेट करेंगी वो दो लाइनें आपको मैं सुनाना चाहता हूँ कि इनके बारे में जो दो लाइनें हैं वो क्या हैं। बहुत ही शानदार लाइनें हैं, एक बार ढंग से देखना वो बातें। जो भागता नहीं वो उड़ता है आसमान में, ये भागते नहीं थे ये उड़ते थे आसमान में। जो भागता नहीं उड़ता है आसमान में, देखा है हमने उसको जीतते संसार को, हमने देखा है इनको संसार को जीतते हुए देखा है। जो हार को भी जीत कर दे, जानता हूँ मैं उस सरदार को, जो हार को भी क्या कर दे, जीत कर दे, मैं जानता हूँ सरदार को। कर ले हर जीत अपनी अगर एक बार कह दे, हर दौड़ में जिसने इतिहास बदले, मैं सर झुका के नमन करता हूँ उसके विश्वास को, यानी मैं सर झुका के मैं इनको नमन करता हूँ, इनके विश्वास को नमन करता हूँ। जो हार को भी जीत कर दे, मैं जानता हूँ सरदार को, मैं ऐसे सरदार को जानता हूँ जो हार को भी क्या कर दे, जीत कर दे। उसके पैरों में बहता हुआ खून देखा है मैंने, दर्द में भी उनको जीतते हुए देखा है मैंने। देखा है मैंने उसकी ऊंची उड़ान को, जो हार को भी जीत कर दे, मैं जानता हूँ सरदार को। कोयले से निकलकर काल को हराया जिसने, संसार पर विजय कर अपना लोहा बनवाया जिसने, मैं गुरु मानता हूँ मिल्खा सिंह को, मैं जो हार को भी जीत कर दे, मैं ऐसे सरदार को जानता हूँ। बिल्कुल मेरी तरफ से, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ से, हमारी सभी टीम की तरफ से हम इनको नमन करते हैं। बिल्कुल मेरे सभी स्टूडेंटों से, मेरे सभी दोस्तों से ये आग्रह करूंगा कि इनका जो जीवन है, इस जीवन से हमें सीख लेनी चाहिए कि किन परिस्थितियों में ये निकल कर हमारे सामने आए और किन परिस्थितियों में ये जो हमारे सामने आके हमारे को मोटिवेट किए, हमारे को ये दिखाया कि बहुत कुछ है इस दुनिया में देखने को लिए। मैं और भी फोटो लेके आया हूँ, हमारी टीम ने बहुत शानदार फोटो दी है। देखो ये फरहान अख्तर जी हैं, इन्होंने इनकी मूवी की थी भाग मिल्खा भाग, आपको पता है भाग मिल्खा भाग, भाग मिल्खा भाग, ये इन्होंने इन मूवी की थी फरहान अख्तर जी, इन्होंने क्या शानदार भूमिका निभाई, जीवंत कर दिया हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने। वरना अगर ये मूवी नहीं आती तो मेरे को औरों को पता नहीं, लेकिन मेरे को खुद को ये मिल्खा सिंह के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती। और आज हम उनको नमन करते हैं, बहुत ही मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से और इस देश के लिए ये बहुत ही बड़ी क्षति है।
चलो और बातें करते हैं, ऐसे बताऊंगा मैं इस फिल्म के बारे में। मिल्खा सिंह ने इस मूवी के लिए मात्र 1 रुपये लिया था, 1 रुपये लिया था इस मूवी के अधिकार को देने के लिए। भाई इस मूवी का अधिकार इसी के पास था, भाई इनके जीवन पे मूवी बनेगी तो इसका अधिकार इन्हीं के पास था। 1 रुपये, 1 रुपये में अपने अधिकार दे दिए थे, और 1 रुपये में जो ओम प्रकाश जी मेहरा जी हैं उनको अपने अधिकार दे दिए, और उन्होंने जो फिल्म बनाई उसमें 100 करोड़ से ऊपर का कारोबार किया था इस फिल्म ने, और इसका बहुत बड़ा, इसके लाभ का बहुत बड़ा हिस्सा इनके ट्रस्ट को दिया गया था। यह आगे सारी जानकारी मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। तो और बात करते हैं, और क्या बातें हैं, देखो मज़ा आया होगा सुनने में, बहुत शानदार है। जानते हैं हम उस सरदार को, क्या क्या बातें कही हैं कवि ने, जो ये मेरे लिखे हुए लाइन नहीं है दोस्तों, माफ करना, ये मेरी लिखी हुई लाइन नहीं है, ये और किसी की लिखी हुई लाइन है। मैंने तो केवल आपको बताया है क्योंकि हम इंस्पायर होते हैं, हमें ऐसी चीजें देख के जोश आता है। मैं आज इनके बारे में पढ़ा रहा हूं, बहुत मजा आ रहा है मेरे को इनके बारे में, ये सोच के सुन के पढ़ के, ये थोड़ी बहुत मैं आपके लिए नॉलेज लेके आया हूँ दोस्तों। अब शुरू करते हैं, और भी हमारी टीम ने फोटो वोटो और दी है, आगे और दिखाऊंगा इनके फोटो वोटो। अभी हम बात करते हैं पढ़ाई से संबंधित, और क्या क्या बातें हैं। ये 3 ओलंपिकों में भारत की ओर से सम्मिलित हो चुके हैं, कौन कौन से में, 1956 का जो ओलंपिक हुआ था उसमें भी ये शामिल हो चुके हैं, 1956 के बाद 1960 में भी शामिल हो चुके हैं, 1964 में भी ये भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं दोस्तों। कौन कौन से ओलंपिकों में, देखो 1956 में जो ओलंपिक हुए थे मेलबोर्न में भी ये जा चुके हैं, रोम में ये जा चुके हैं, टोक्यो में ये जा चुके हैं, मेलबोर्न ओलंपिक में, रोम ओलंपिक में, और रोम ओलंपिक का तो आपको बताऊंगा मैं स्टोरी, इनकी बहुत शानदार स्टोरी है, वहाँ से हम देख सकते हैं, मूवी में भी आपने देखा होगा, और ये टोक्यो में। 1960 वाली जो इनकी स्टोरी है ये बताऊंगा आपको, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ये सारे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हैं दोस्तों। तो यहाँ पे बात करते हैं 1960 की दौड़ इसलिए इम्पोर्टेंट है, देखो 1960 में क्या हुआ था, 1960 की दौड़ इसलिए इम्पोर्टेंट है, इस दौड़ में इनका चौथा स्थान आया था, कौन सा स्थान आया था, चौथा स्थान आया था, इसलिए इम्पोर्टेंट है, चौथा स्थान आया था 1960 की 400 मीटर की जो दौड़ थी, 400 मीटर इन्होंने दौड़ा था, और इसमें कौन सा स्थान आया था, चौथा स्थान आया था। क्यों आया था, ये बहुत आगे चल रहे थे लेकिन इन्होंने अपनी स्पीड कम कर ली, बाद में अपनी स्पीड कम करके सात वालों को देखने लग गए कि अपने साथ वाले अपने से बहुत पीछे हैं, हम जीत जाएंगे, और इसी दौड़ में इन्होंने बहुत ही शानदार भारतीय रिकॉर्ड बनाया था। इनका रिकॉर्ड है 400 मीटर में कितना, 45.73 सेकंड का इनका रिकॉर्ड है, इनका भारतीय रिकॉर्ड है, ये भारतीय रिकॉर्ड, ये काफ़ी दिन तक भारतीय रिकॉर्ड रहा था, लेकिन बाद में इस भारतीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया, किसने तोड़ दिया, 1998 में एक जो हमारे एथलीट थे जिनका नाम है परमजीत कौर, उन परमजीत सिंह ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया इनका, 38 साल के बाद इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया, ये भारतीय बेहतरीन भारतीय रिकॉर्ड था, ये 45.73 सेकंड। देखो हाथ से नापने पर तो उनका कम आया था, 45 पॉइंट इनका जो आया था 6 ही आया था, 45.6 आया था, लेकिन वो हाथ से नापने पर आया, और ये बाद में इसके हिसाब से गणना की गई, अब पता नहीं कौन से हिसाब से गणना की गई, और इनका समय माना जाता है 45.73 सेकंड। इसके अलावा परमजीत सिंह ने जो इनका रिकॉर्ड दौड़ा 1998 में, और इन्होंने जो 1998 में रिकॉर्ड दौड़ा वो 45.70 है, 45.70 सेकंड का है ये रिकॉर्ड, ये इनका रिकॉर्ड जो है ये 45.73 है, बहुत ही क्लोज, ये स्वचालित टाइम था, ये घड़ी वाली जो स्वचालित घड़ी आ गई थी उसके हिसाब से टाइम था, ये बात पहले का टाइम हाथ से नाप के फिर उससे स्वचालित पद्धति से निकाल के इनका ये बैठाया गया था। इसलिए दोस्तों ये मानते हैं ये भारतीय रिकॉर्ड है, लेकिन मिल्खा सिंह का नाम बहुत ही
इज्जत के साथ इस भारत देश में लिया जाता है। उनकी ख्वाहिश थी कि मेरे मरने से पहले कोई ओलंपिक गोल्ड मेडल लेके आए, ओलंपिक रिकॉर्ड बनाए एथलीट में, ये उनकी इच्छा थी। वो चाहते थे 125 करोड़ की ये जनता है, क्या इसमें से कोई नहीं है कैसा। वो फिटनेस के प्रति जागरूक रहते थे। वो कहते थे अगर चार रोटियों की भूख है तो दो ही खाओ, क्योंकि हमारी बीमारी पेट से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? पेट से शुरू होती है। तो वो बहुत ही शानदार जिंदा दिल इंसान थे। 91 वर्ष की उम्र में भी उनमें जो फुर्ती थी वो फुर्ती काबिले तारीफ थी। इनको पढ़ाते ही मेरे को जोश आ रहा है, तो सोचो उनमें कितनी फुर्ती थी। इनको पढ़ाते ही मजा आ रहा है, जोश आ रहा है मेरे को इनको पढ़ाने में, तो ये सोचो उनमें कितनी फुर्ती थी। बहुत शानदार जिंदा दिल इंसान थे। मैं दो लाइनें और मैंने कभी बहुत बार क्लासों में बोला भी है, अगर मैं इन दो लाइनें जो क्लासों में कई बार मैंने बोली है, जो शानदार लाइनें हैं, कि अगर जी नहीं सकते तो जीने की तमन्ना छोड़ दो, अगर जी नहीं सकते तो जीने की तमन्ना छोड़ दो, बहते बहते रुक जाए वो दरिया छोड़ दो। जो ऐसा दरिया जो बहते बहते खुद रुक रहा है उस दरिया को छोड़ दो, बहते बहते रुक जाए वो दरिया छोड़ दो। एक फूल था उसको भी तुमने कांटा बना दिया, अब उस कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दो। मैंने कई बार बोला है बेरोजगारी रूपी कांटे को, अब वो फूल था आपके सामने कि आप स्कूल के पास आउट के बाद मेहनत करते, नौकरी लग जाते, मेहनत के बिना कुछ नहीं है, आपने उस फूल को कांटा बना दिया, अब उस कांटे से कहते हो चुभना छोड़ दो। ये भी बहुत मेहनत करते थे, बहुत मेहनत की इन्होंने, बहुत संघर्ष झेला, ये जेल तक गए हुए हैं। इनकी बहन ने इनको छुड़ाने के लिए आभूषण तक बेच दिए थे। ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये तीन ओलंपिकों में भारत की ओर से भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, ये भी याद रखना दोस्तों। और 1960 की दौड़ मैंने बताई दी, इनका समय मैंने बता ही दिया। और क्या बात करते हैं, 2008 में, तो 2008 में एक पत्रकार थे रोहित जी, 2008 में एक पत्रकार थे रोहित, जो ब्रिजनाथ जी थे, रोहित ब्रिजनाथ जी ने तो इन्हें भारत का सबसे बेहतरीन एथलीट कहा। 2008 में पत्रकार थे और उनका नाम है पत्रकार जी का रोहित ब्रिजनाथ। जो रोहित जी ब्रिजनाथ जी थे, इन्होंने इनको बताया, क्या बताया दोस्तों, इनको बताया भारत का सबसे, भारत का सबसे बेहतरीन एथलीट बताया इनको, सबसे बेहतरीन एथलीट, भारत का सबसे बेहतरीन एथलीट है, ये बात बताई रोहित जी ने इनके लिए। वो इनको द फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है, ये बात भी बात करें। अब देखो थोड़ा सा मैं इनका प्रारंभिक जीवन देखता हूं। इनके देखो बचपन में मैं बात करूं, इनका बचपन का जो जीवन था, ये बचपन के जीवन की मैं बात करूं, इनके बचपन में ये 15 भाई बहन थे। इनके भारत की जब विभाजन हुआ था, भारत पाक विभाजन देखते, बचपन में 15 भाई बहन थे, कहते हैं कि 8 तो पहले ही मर चुके थे इनके, लेकिन भारत पाक जो विभाजन था, भारत पाक विभाजन का दर्द इन्होंने भी झेला है, भारत पाक विभाजन। अब भारत पाक का जब विभाजन हुआ तो ये हमारे भारत देश में आ गए थे, पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था, ये भारत में आए थे। और इस भारत पाक विभाजन के दौरान इन्होंने अपने माता पिता एक भाई व दो बहनों को खो दिया। अपनी आंखों के सामने, इनके आंखों के सामने मुसलमानों ने इनके, क्योंकि उस समय दंगे इतने तगड़े हो रहे थे, मुसलमान सिखों को, हिंदुओं को मार रहे थे, इधर से सिख हिंदू जो थे उनको परेशान कर रहे थे। ये भारत विभाजन जो, भारत पाक विभाजन जो हुआ था, इस विभाजन का दर्द बहुत लोगों ने झेला है। बहुत ये मानो कि उस समय स्थिति बहुत खतरनाक थी, बहुत खराब स्थिति थी इसकी वजह से। तो इन दो महीनों को इन्होंने खो दिया था। फिर इसके बाद में भारत पाक विभाजन के बाद में ये दिल्ली आ गए, ये दिल्ली आए, दिल्ली रुके, दिल्ली अपनी बहन थी इनकी, एक विवाहित बहन थी इनकी, बहन की शादी कर चुके थे, जिनका रोल भी निभाया था बहुत शानदार तरीके से, इनका रोल कहानी में भी, फिल्म में भी इनका बारे में बताते हैं उनका रोल भी जो। तो इनकी एक बहन थी दिल्ली में, दिल्ली में उस बहन का नाम था ईश्वर, बहन का नाम क्या था, ईश्वर, इनकी बहन थी। ईश्वर के पास रुके, वहीं पे इन्होंने रुके, लेकिन ये बिना टिकट के सफ़र कर रहे थे, बिना टिकट के सफ़र करने के कारण, बिना टिकट
सफर कर रहे थे, तो बिना टिकट सफर करने के कारण जेल में गए, जेल भी गए, तिहाड़ जेल भी गए। और वहां से इनकी बहन ईश्वर ने, इनकी जो बहन थी, इस बहन ने अपने आभूषण बेचकर, अपने आभूषण बेचकर इनकी जमानत करवाई। अब देख लो कितनी बुरी इनके साथ बीती होगी कि इनके पास जमानत कराने के लिए पैसे नहीं थे। ये खुद भी इन्होंने कहा था, इनके जो समकालीन और भी एथलीट थे, मेजर ध्यानचंद जी भी थे, 1936 के ओलंपिक में इन्होंने क्या कमाल दिखाया था हॉकी में, मेजर ध्यानचंद जी ने। वहाँ पे जो वहाँ का जो सम्राट थे, उन्होंने तो ये भी कहा था कि आप यहीं रुक जाओ, जो हिटलर, हिटलर के नाम से थे, हिटलर जी ने जर्मनी गए, हिटलर जी ने कहा था आप यहीं रुक जाओ, बताओ कितनी कीमत चाहिए। लेकिन ध्यानचंद जी ने कहा नहीं, मैं मेरे देश के लिए जीता हूँ, मैं मेरे देश के लिए ही मरता हूँ। ऐसे थे हमारे एथलीट, ये भी बहुत कम रुपए मिलते थे, इनको थर्ड क्लास ट्रेन में बैठ के जाना पड़ता था। आज वाले खिलाड़ियों को कितना पैसा मिलता है, कितनी सुविधाएँ हैं, तभी तो इनको दुख होता था मिल्खा सिंह को कि इतनी सुविधाएँ होने के बावजूद क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, जबकि हमारे टाइम में इतनी सुविधा, इनके पास पहनने के लिए जूते तक नहीं थे। उस स्थिति में इन्होंने दौड़ की थी, आपने फिल्म में देखा होगा इनके पैरों से ऐसे खून बहने लग गया था। तो ऐसी स्थिति में दौड़ करके भारत के लिए ओलंपिक जीतना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो बिना टिकट सफ़र करते हुए ये जेल भी गए, तो इनके बहन ने इनको बचाया था। इसके अलावा मैं बात करूँ, देखो और फोटो दिखाता हूँ चलो आपको, ये हमारे सेना की भर्ती के फोटो देख लो, ये भारतीय सेना में रहे थे। मैंने कहा था इंडियन आर्मी में, भारतीय सेना में भी इनका योगदान है, तभी तो कैप्टन की उपाधि मिली हुई है। भारतीय सेना में इनका बहुत बड़ा योगदान है, ये हॉल है, ये जो शामिल हुए थे सेवा सेना में रंग रूट के तौर पे शामिल हुए थे, और इन्हीं रंग रूट के दौरान ही इनको दौड़ करनी पड़ती थी, वहाँ पे क्रॉस कंट्री दौड़ करनी पड़ती थी, और वहीं से इन्होंने ऐसी शानदार दौड़ की कि इनको एथलीट में उतारा गया, इनको खिलाया गया, भारत का प्रतिनिधित्व किया, ये कितने सम्मान की बात है। ये इधर हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी नेहरू हैं, जिन्होंने इनको खूब मनाया था, क्योंकि मिल्खा सिंह जी पाकिस्तान नहीं जा रहे थे दौड़ने, इंडो पाक सीरीज के धारा नहीं दौड़ने नहीं जा रहे थे, वहाँ के एक जो जो एथलीट था उसने इनको क्या दी थी थोड़ी सी, ये कहा था कि चलो आओ आप यहाँ पे, चुनौती दी थी, वो आगे भी बात करूँगा मैं। अभी देखो फोटो देख लो कितनी शानदार फोटो है, हमारी टेक्निकल टीम कितनी शानदार है, टेक्निकल टीम का जितना कहे उतना ही कम है, ये अपने लिए क्या शानदार हमारे लिए, देखो फोटो वोटो भी उपलब्ध करवा रहे हैं, स्लाइड वलाइड उपलब्ध करवा रही। तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी नेहरू हैं, मेरे इधर साइड में देख लो, इस साइड में ये हैं द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, क्या शानदार नाम है। हर तो चलो इनके बारे में बताता हूँ, बात करते हैं, ये डकैत बनना चाहते थे, परंतु इनके भाई मलखान ने इनको समझाया, भारतीय सेना में भर्ती करने के लिए तैयार किया। क्या बनना चाहते थे दोस्तों, मिल्खा सिंह डकैत बनना चाहते थे, मिल्खा सिंह जी जो थे ये क्या बनना चाहते थे, डकैत बनना चाहते थे, बनना चाहते थे, परंतु भाई मलखान के कहने पर, मलखान के कहने पर भारतीय सेना में शामिल हुई, भारतीय सेना में शामिल। देखो उस समय भारत को जरूरत थी सेना में, और सेना में शामिल करने के लिए बुला रहे थे युवाओं को, तो उनके कहने पर ये भारतीय सेना में, क्योंकि इनका मोह भंग हो गया जब इनको पकड़ के लेके जेल में गए, इनको परिस्थिति ऐसी थी बिना टिकट सफर करना ही था, पैसे नहीं थे तो टिकट कहाँ से लाते, ऐसी स्थिति में इनको गिरफ्तार करके ले जाया गया, तो इनका मोह भंग हो गया और ये जब डकैत बनना चाहते थे, लेकिन इनके भाई ने कैसे भी इनको क्या कर लिया, राजी कर लिया कि तू भारतीय सेना में शामिल हो जाओ। कहते हैं कि कोई तीसरे के चौथे प्रयास में ये शामिल हुए, और 1951 में इनकी यूनिट थी जहां ये शामिल हुए, सिकंदराबाद में, सिकंदराबाद में ये शामिल हो गए, और 1951 में ये भारतीय सेना में शामिल हो गए। जब भी मैंने फोटो दिखाई ना, ये देखो फोटो कितनी शानदार फोटो है,
भारतीय सेना में देखो 1951 में शामिल हुए थे, और ये देखो कितनी शानदार दिखते हैं भारतीय सेना की अपनी जो वर्दी है, ये वर्दी का कुछ कमाल ही अलग है दोस्तों। मैं तो जब भी भारतीय फौज की जो यूनिफॉर्म देखता हूँ मेरा दिल बाग बाग कर जाता है, मन करता है उनको सैल्यूट करने का जो अपने लिए दिन रात अपने लिए बॉर्डर पे सुरक्षा कर रहे हैं। आज उन्हीं की वजह से हम आज़ाद घूम रहे हैं, वरना कभी भी डर लगा रहता कि कहीं कोई आक्रमण ना कर दे कोई देश। आज हमारे जवान हमारी सीमा पे सुरक्षा कर रहे हैं, जिनके कारण हम निडर होकर सोते हैं। वो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं, खुद के मौलिक अधिकारों का हनन करवा के। तो उनका भी दिल से, मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूँ उनके लिए। आप सभी को मेरे मैं आप जो भी आप फौजी भाइयों को देखो अपने आसपास, उनका आप सम्मान किया करो दोस्तों। वो अपने परिवार से दूर रह के हमारे लिए क्या क्या नहीं करते, कितने सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपने अपने सपनों के साथ कितने सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो उनके लिए थोड़ा सम्मान होना चाहिए दोस्तों, उनके लिए कार्यक्रम से संचालित करवाएं। अरे कार्यक्रम भी छोड़ो, तुम तो वो कभी सामने मिले तो उनको नमस्ते करो, उनको आप सैल्यूट करो, उनको पानी के लिए पूछो, कभी चाय के लिए पूछो। यहाँ कभी दुकानों पे कहीं मिल जाए, जैसे फौजी वर्दी में कोई फौजी घर आ रहा है, उनकी सहायता करो। मान लो उनको स्टैंड से उनके घर जाने तक साधन नहीं मिल रहा, ऐसी स्थिति में आप उनकी सहायता कर सकते हैं, उनको छोड़ के आ सकते हैं। अरे वो कोई आतंकवादी थोड़ी, वो आपकी की सेना के जवान आपके लिए मेहनत करते हैं, वो आपके लिए सुरक्षा कर रहे हैं, आप उनके लिए कीजिए। तो ये बहुत कभी बात करेंगे इनसे संबंधित बातें भी, मेरा कभी बहुत मन करता है कि बहुत बोलता ही जाऊँ, मैं बोलता ही जाऊँ, बताता जाऊँ आपको। चलो अब आगे बात करें, इनके जो सेना में सम्मिलित हुए और सेना में शामिल होके उन्होंने एथलीट, यहीं से उन्होंने, क्योंकि रंग रूट थे ये और इनको दौड़ना था, और यहीं से एथलेटिक्स में इनकी रुचि बढ़ी। एथलेटिक्स में इनकी क्या हुई, रुचि बढ़ी। आपने पान सिंह तोमर मूवी देखी होगी, वो एथलेटिक्स में इसलिए गए थे क्योंकि उनको भरपेट खाना खाना था, आराम से खाना उनका इतना ही मिलता था जितना उनके क्या होता था, पूर्ति नहीं होता था, इस हिसाब से उनको कम खाना मिलता था, इसलिए वो क्या हुए, एथलेटिक में शामिल हुए थे। ये भी एथलेटिक में यहीं से शामिल हुए और यहीं से इनकी क्या हुई, रुचि बढ़ी। यहीं से इनकी क्या हुई दोस्तों, रुचि बढ़ी। इनकी जो आत्मकथा है, इनकी आत्मकथा की देखो बात करें, इनकी जो आत्मकथा है जो मिल्खा सिंह है, मिल्खा सिंह की जो आत्मकथा है, इस आत्मकथा की बात करते हैं। मिल्खा सिंह की आत्मकथा, और इनकी आत्मकथा लिखवाने में इनकी बेटी का भी योगदान है। इनकी जो बेटी थी उन्होंने भी लिखा, और 2013 में ये प्रकाशित हुई। इनकी बेटी का नाम है सोनिया सनवलका, सोनिया सनवलका जी हैं, इनकी बेटी थी मिल्खा सिंह की बेटी, और बेटी का नाम है सोनिया सनवलका। ये सह लेखक हैं इनकी आत्मकथा के, सह लेखक हैं। और आत्मकथा का नाम क्या है दोस्तों, आत्मकथा का नाम देखो दूसरे पेन से लिखते हैं। आत्मकथा का नाम जो है, इनकी जो आत्मकथा थी, इन आत्मकथा का जो नाम है वो है द रेस ऑफ माय लाइफ। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, द रेस ऑफ माय लाइफ। ये आत्मकथा दोस्तों आप पढ़ना, इनकी जो जिंदगी की जो रेस है, जिनकी जिंदगी के बारे में जहाँ जानकारी मिलती है वो यहीं से मिल जाएगी आपको, इनकी आत्मकथा से। कहाँ से मिल जाएगी, इनकी आत्मकथा से मिल जाएगी दोस्तों। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। बात करें अभी इनके बारे में, इनके जीवन पर एक मूवी भी बन चुकी है, इनके जीवन पर एक मूवी बन चुकी है, जीवन पर फिल्म बन चुकी है, मूवी बन चुकी है, और उस मूवी का नाम आप सबको पता होगा, भाग मिल्खा भाग। क्या नाम है, भाग मिल्खा भाग।
बहुत शानदार मूवी है दोस्तों, देखना भाग मिल्खा भाग मूवी देखना, बहुत ही शानदार मूवी है। इस मूवी में जो हीरो थे या अभिनय किया था वो, इनकी भूमिका जिसने निभाई थी वो फरहान अख्तर जी हैं। फरहान अख्तर, फरहान अख्तर जी को इस मूवी के लिए बहुत से अवार्ड भी मिले हैं, इस मूवी को भी अवार्ड मिले हैं दोस्तों। इस मूवी के लिए मिल्खा सिंह ने मात्र 1 रुपये लिया था। कितने रुपए? मात्र 1 रुपए, 1 रुपए लिया था इन्होंने अपने अधिकार बेचने के लिए। इनके मूवी के जो अधिकार थे, ये अधिकार इन्होंने बेचने के लिए मात्र कितने रुपये में बेचा था? 1 रुपये में बेचा था, क्योंकि बेचना जरूरी था अधिकार, तो इन्होंने 1 रुपये में ये अधिकार बेचे थे। इसके अलावा इस मूवी के लाभ का हिस्सा, लाभ का बहुत बड़ा हिस्सा इनके ट्रस्ट को दिया गया, और उस ट्रस्ट का नाम है मिल्खा सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट। क्या नाम है उसका? मिल्खा सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट। इनको लाभ का बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पे दिया गया था। मिल्खा सिंह की दोस्तों मोम की प्रतिमा भी बन चुकी है। मिल्खा सिंह की जो प्रतिमा है, ये हमने दिखाया होगा। अच्छा, ये तो हाँ, ये हमारे साथ, देखो देखो, फरहान अख्तर जी के साथ में ये भाग मिल्खा भाग की भूमिका निभाई थी इन्होंने। इन्होंने किसकी भूमिका निभाई थी? मिल्खा सिंह की भूमिका निभाई थी दोस्तों। अरे, ये मिल्खा सिंह जी हैं, असली मिल्खा सिंह जी ये हैं। इन्होंने तो फिल्म में इनकी भूमिका निभाई थी, क्या शानदार भूमिका निभाई थी। हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन कुंड में, मस्ती के झुंड में, ऐसे कुछ गाना भी था, बहुत शानदार वाला गाना था, वो भी बात करेंगे। इसके अलावा देखो, और भी देर खवा, अच्छा यही दे रखा है, बाकी फोटो नहीं दी मैडम तुसाद की, जो इनके मैडम तुसाद जो संग्रहालय है वहाँ पे इनकी फोटो, मोम की प्रतिमा लगी हुई है। तो दोस्तों सितंबर 2017 में मिल्खा सिंह की मोम की प्रतिमा भी बन चुकी है, जो कहाँ है? मैडम तुसाद संग्रहालय दिल्ली, मैडम तुसाद संग्रहालय दिल्ली में इनकी मोम की प्रतिमा भी है दोस्तों। इनके जीवन पर आधारित इन्होंने अपने सारे जो अवार्ड थे वो भी भारत को दान कर दिए थे, वो भी बताऊंगा कहाँ रखे हुए हैं, कहाँ उनकी प्रदर्शनी की गई थी, सारी चीज़ें बताऊंगा। इनकी पत्नी बताया ही था मैंने, इनकी पत्नी निर्मल कौर है, उनसे 1962 में शादी हुई, वो भारतीय वॉलीबॉल की पूर्व कप्तान थी। इनके 3 बेटियाँ भी हैं, एक बेटा था जिसका अभी बताया था मैंने, गोल्फर जीव मिल्खा सिंह इनका नाम है, गोल्फर हैं, बढ़िया गोल्फ करते हैं, आपने नाम सुना होगा जीव मिल्खा सिंह का। इसके अलावा एक चीज़ और बता दूँ, 1999 में एक हवलदार जी थे विक्रम सिंह जी, उनके पुत्र को भी गोद लिया था, हवलदार विक्रम सिंह जी, इनकी क्या हो गई थी, ये शहीद हो गए थे, और ये शहीद होने के बाद में इनके जो 7 वर्ष का एक पुत्र था, उस 7 वर्ष के पुत्र को इन्होंने क्या ले लिया, गोद लिया था। क्या लिया था दोस्तों? गोद लिया था। इसके अलावा इनके रिकॉर्ड देखें, अब इनके रिकॉर्ड देखो, सम्मान आपको बता ही चुका हूँ, 1959 में इनको एक सम्मान मिल चुका है, हाँ अवार्ड, ये देखो पद्म श्री अवार्ड मिल चुका है, ये 1959 में मिला था, या मैंने बताया नहीं आपको, 1959 में उनको कौन सा अवार्ड मिला था? पद्म श्री अवार्ड मिला था 1959 ईस्वी में। इसके बाद में इनको अर्जुन अवार्ड भी दिया गया था, लेकिन इन्होंने लेने से मना कर दिया, क्योंकि पद्म श्री अवार्ड देने के बाद अर्जुन अवार्ड दिया जा रहा था, तो इन्होंने कहा भी था कि लगता है आजकल अवार्ड ऐसे बट रहे हैं जैसे मंदिर में प्रसाद बट रहे हों, अब मेरे को अर्जुन अवार्ड देना कोई औचित्य नहीं है उसका। अर्जुन अवार्ड युवा खिलाड़ियों को दिया जाता है, रिटायरमेंट के बाद मेरे को अर्जुन अवार्ड दे रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये बहुत शानदार व्यक्तित्व के आदमी थे। तो चलो आगे बताता हूँ इनके बारे में,
इनका जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्डों की बात करें, इनके क्या क्या रिकॉर्ड है, देखो ये रही दौड़ते हुए मिल्खा सिंह, ये देखो कितने जिंदा दिल इंसान है, मुस्कुराते हुए मिल्खा सिंह, ये अवार्ड जो इनको देखो, अवार्ड गले में माला है, ये जो सारे मिल्खा सिंह हैं, देखो मिल्खा सिंह की फोटो देख लो, हमारी टेक्निकल टीम ने आपके लिए खास उपलब्ध करवाई है, बहुत नमस्कार है टेक्निकल टीम को जो आपके लिए ऐसे शानदार स्लाइड बनवाई आपके लिए। चलो आगे देखिए इनका रिकॉर्ड क्या क्या इनके देखो रिकॉर्ड है, रिकॉर्डों की बात करें, कब कब क्या क्या मिला, कौन कौन से खेल में मिला, इन्हीं सभी की बात करेंगे। देखो मैं बात करूं, मार्कर चेंज कर लेते हैं, 1958 अब सब बोलो 1958 गए, 1962 में 1964 में, ये इनको अवार्ड मिले हैं कुछ चीज़ें, उनकी बात करें कौन कौन से खेलों में मिले हैं ये भी देखेंगे हम। 1958 के एशियाई खेल, 1958 के जो एशियाई खेल हुए थे उनमें सारों में देखो एशियाई खेल ही आएगा, एशियाई खेल, इन एशियाई खेलों में ये कलकत्ता में था, ये तो कलकत्ता बात है, कलकत्ता में कोई टूर्नामेंट हुआ था उसकी बात है, कौन कौन से देखो कौन कौन से मीटर में देखो कलकत्ता में जो देखो राष्ट्रीय खेल हुआ था उसकी बात है यहाँ पे, तो 1964 में तो राष्ट्रीय खेल। अब कौन कौन सी प्रतियोगिता थी, देखो कितनी दौड़ थी वो देख लो कि कौन कौन सी, 200 मीटर, 400 मीटर, 440 गज, गज अलग चीज़ है, मीटर थी यहाँ भी 400 मीटर या 4x400 मीटर, एक रिले दौड़ थी 4x400 मीटर वाली उसमें मिला था, और यहाँ पे भी कौन सी थी 400 मीटर। अब क्या क्या मिला था ये देखो, यहाँ पे क्या क्या मिला था सब में देखो, यहाँ पे भी गोल्ड मिला था इन्हें, यहाँ पे भी क्या मिला था गोल्ड मिला था, यहाँ पे भी गोल्ड ही मिला था इन्हें, यहाँ पे भी गोल्ड मिला था, यहाँ पे भी गोल्ड मिला था, लेकिन यहाँ पे गोल्ड नहीं मिला दोस्तों। 1964 में कलकत्ता में जो राष्ट्रीय खेल हुए थे उनमें गोल्ड ना मिलके उनमें सिल्वर मिला था, क्या मिला था दोस्तों इन्हें सिल्वर मिला था। कहते हैं कि इन्होंने अपनी जिंदगी की 70 दौड़ें जीती थी, ऐसा तो कई दौड़ ऐसी थी जहाँ पे ये पहले स्थान पे नहीं थे, दौड़ तो जीती थी लेकिन पहले स्थान पे नहीं रहे, बहुत सी दौड़े हैं ऐसी। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने इनके क्या हैं, ये रिकॉर्ड है। अब एक 1960 वाले पाकिस्तान का बताता हूँ, पाकिस्तान के अब्दुल खालिक की चुनौती पर क्या किया गया वो चीज़ें बात करते हैं। पाकिस्तान का एक खिलाड़ी जिसका नाम है अब्दुल खालिक, फिल्म में भी उसका नाम अब्दुल दिया होगा, अब्दुल देखना नाम देते हैं अब्दुल। इस पाकिस्तान में अब्दुल खालिक ने 1960 में किसको चुनौती दे दी, मिल्खा सिंह को चुनौती दे दी कि मिल्खा सिंह हिम्मत है तो मेरे साथ दौड़, किसको चुनौती दे दी इसने, मिल्खा सिंह को, कि ये जो जीत गया है ऐसे ही जीत गया है, मेरे साथ खेल के देख दोबारा, इसने क्या दे दी चुनौती। अब जब चुनौती दे दी पाकिस्तान में दौड़ हुई, और पाकिस्तान में इस आदमी ने 400 मीटर की जो दौड़ हुई, इस 400 मीटर की दौड़ में ऐसा दौड़ा कि सारा पाकिस्तान देखता ही रह गया, वहाँ जो 6,000 दर्शक थे सारे देखते रह गए कि ये क्या दौड़ रहा है। और दौड़ने के बाद जब ये जीतने के बाद इनको जब अवार्ड दिया जा रहा था, उस समय अवार्ड दे रहे थे कौन दे रहे थे, अवार्ड दे रहे थे राष्ट्रपति अयूब खान, पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान। अयूब खान ने एक बात कही और उन्होंने एक नाम दिया इसको, नाम क्या है, द फ्लाइंग सिख नाम है इसका, ने कहा कि तुम आज नहीं दौड़े, तो फिर क्या किया, तुम आज नहीं दौड़े, तुम तो उड़ गए आज, तुम तो क्या हो गए, तुम तो उड़ गए आज।
कि तुमने आज दौड़ नहीं, तुम तो आज उड़ गए, उड़ा है तुम, दौड़े नहीं हो, तुम तो आज क्या हो गए, उड़ गए। और इस तरह इनको कौन सा नाम दिया गया, इस मिल्खा सिंह को नाम कौन सा दिया गया दोस्तों, मिल्खा सिंह को नाम दिया गया द फ्लाइंग सिख, द फ्लाइंग सिख नाम से फेमस हुए थे। किसने दिया, अयूब खान ने दिया, किसने दिया, अयूब खान ने दिया। ये पाकिस्तान दौड़ने जाना ही नहीं चाहते थे, जब उसने चुनौती दी, चुनौती देने के बावजूद ये दौड़ने नहीं जाना चाहते थे, लेकिन जवाहरलाल